जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। सिल्वेस्टर स्टैलोन की कहानी से सबसे पहली बात सीखने की है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना लॉ ऑफ एक्शन के काम नहीं करता, और सिल्वेस्टर स्टैलोन मैसिव एक्शन लेने में विश्वास करते थे। टोनी रॉबिन्स का बहुत कीमती इंटरव्यू स्टैलोन के साथ है, जिसमें स्टैलोन कहते हैं कि एक बार जब मैंने एक्टर बनने का निश्चय किया तो मेरे दिमाग में आउटकम यानी नतीजा फिक्स था कि मुझे मूवीज में रोल करना है। उस समय न्यूयॉर्क में करीबन 250 एजेंट्स थे। मैं हर एजेंट के पास करीबन 8 या 9 बार गया। जब मुझे काम नहीं मिला तो मैंने अप्रोच बदल दी। एक बार मैं शाम को 4 बजे से अगले दिन सुबह तक एजेंट के ऑफिस के बाहर बैठा रहा। तब अगले दिन एजेंट ने तरस खाकर मुझे छोटा सा रोल दिया। फिर जब इन तरीकों से बात नहीं बनी तो सिल्वेस्टर स्टैलोन ने अपनी अप्रोच दोबारा बदली। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू कर दिया। आप अपने दिमाग में आउटकम फिक्स कर लेते हो, फिर रिजल्ट ना मिलने पर अपनी अप्रोच बदलते हो और एफर्ट्स बढ़ाते हो, और आप तब तक ऐसा करते हो जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाते। इसे कहते हैं मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन में बहुत ताकत होती है। इसमें आपकी डिटर्मिनेशन छिपी होती है, इसलिए कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन बड़े रिजल्ट अट्रैक्ट करते हैं। मैसिव एक्शन शुरू कहाँ से होते हैं? सिल्वेस्टर स्टैलोन के अंदर एक खासियत थी जो उन्हें कठिनाइयों के बावजूद बहुत ऊंचाइयों पर ले गई। सिल्वेस्टर स्टैलोन खुद कहते हैं कि मैं अजीब कैरेक्टर था। मैं किसी बात के पीछे पड़ जाता तो मुझे कुछ और नहीं सूझता, मैं अपनी डिजायर के साथ लॉक हो जाता। स्टैलोन साहब का बचपन बहुत कठिन था और कठिनाई मैटरनिटी वार्ड से शुरू हो गई थी। डिलीवरी के समय कुछ नर्व्स डैमेज हुई, जिस कारण उनकी जीभ और चेहरे के कुछ हिस्से पैरालाइज हो गए थे। इस कारण जीवन भर उनकी स्पीच स्पष्ट नहीं रही और मुस्कान भी एक तरफ झुकी हुई है। सिल्वेस्टर स्टैलोन और उनके भाई अजीब माहौल में पैदा हुए। माँ डांसर थी, पिता हेयर ड्रेसर थे, और घर में लड़ाई झगड़ा आम बात थी। बचपन में एक बार उनकी माँ ने उनसे कहा था कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा शरीर किसी काम के काबिल नहीं है, और एक बार पिता ने कहा था कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। सिल्वेस्टर स्टैलोन को 3 बार स्कूल से निकाला गया। फिर कुछ बड़े होने पर उन्हें स्पेशल स्कूल फॉर ट्रबल चिल्ड्रन में भर्ती कराया गया। इन सब तकलीफों के बावजूद छोटी उम्र में भी सिल्वेस्टर स्टैलोन लोगों में खुशियां बांटना चाहते थे। उनका सपना बहुत स्पष्ट था, वे बचपन से मूवी बिजनेस में होना चाहते थे, टीवी या एंटरटेनमेंट में नहीं बल्कि मूवी बिजनेस में, और ये उनकी इमोशनल नीड थी। छोटी उम्र में स्टैलोन सोचते थे कि बाकी लोग भी मेरे जैसे दर्द से गुजरते होंगे और उनके पास दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। वो लोगों को इंस्पायर करना चाहते थे कि आम लोग भी अविश्वसनीय कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं। ये सपना उनकी बड़ी इमोशनल ज़रूरत बन गया। बड़े होते ही सिल्वेस्टर स्टैलोन मायामी स्टेट यूनिवर्सिटी में ड्रामा पढ़ने चले गए, लेकिन उनकी एक्टर बनने की इच्छा इतनी इंटेंस थी कि वो रुक नहीं पाए और सीधे न्यूयॉर्क चले गए, जहाँ एक के बाद एक एजेंट्स ने उन्हें मना कर दिया कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे चेहरे पर पैरालिसिस है और तुम्हारे डायलॉग समझ नहीं आते, तुम एक्टर नहीं बन सकते, कुछ और करो। लेकिन सिल्वेस्टर स्टैलोन ने अपना मन बना लिया था। वे हर कास्टिंग के लिए ऑडिशन देने जाते। एक समय सिल्वेस्टर स्टैलोन की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। उनकी बीवी उन्हें समझाती रहती कि तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते, लेकिन सिल्वेस्टर स्टैलोन कहते हैं कि मैं बीच बीच में छोटे मोटे काम कर रहा था, लेकिन मैं अपने सपने से समझौता नहीं कर सकता था। अगर मैं नौकरी करके सेटल हो गया होता तो शायद मेरी भूख खत्म हो जाती। हंगर वॉज माई बिगेस्ट एडवांटेज। यहाँ हंगर का मतलब है इंटेंस डिजायर, यानी बाकी इच्छाओं को छोड़कर केवल एक इच्छा और कुछ नहीं। स्टैलोन को बड़ी गाड़ी और नाम नहीं चाहिए था, वे केवल अच्छी मूवीज में काम करना चाहते थे। इस समय स्टैलोन लिखने भी लगे थे और कड़क ठंडों से बचने के लिए वे लाइब्रेरी जाया करते और क्लासिक लिटरेचर पढ़ा करते। इस लाइब्रेरी में स्टैलोन ने एक फाइट देखी जो मोहम्मद अली और चक वेपनर की फाइट थी। चक वेपनर कमज़ोर खिलाड़ी होते हुए 14 राउंड तक टिके रहे और आखिर में मोहम्मद अली को नॉकआउट कर दिया। इस फाइट को देखकर सिल्वेस्टर स्टैलोन के मन में इमेजिनेशन फट पड़ी। वे घर आकर लगातार 20 घंटे लिखते रहे। उन्होंने 3 दिन में रॉकी की स्क्रिप्ट लिख दी।
इसके बाद वो जहाँ भी ऑडिशन के लिए जाते वहाँ कास्टिंग टीम को अपनी स्क्रिप्ट भी देते। किस्मत से एक कंपनी को उनकी स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने स्टेलोन को पैसे ऑफर किए, लेकिन स्टेलोन साहब लीड रोल करना चाहते थे। दूसरी तरफ स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, प्रोड्यूसर स्थापित एक्टर को कास्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्टेलोन को $360,000 यानी आज के समय में करीबन 2 करोड़ रुपए ऑफर किए। ये वो समय था जब स्टेलोन के बैंक अकाउंट में केवल $100 थे, लेकिन वो फिर भी राजी नहीं हुए। आखिर में स्टेलोन को $25,000 के बदले अपनी लिखी स्क्रिप्ट में लीड रोल अदा करने का मौका मिल ही गया। स्टेलोन की एक ही इच्छा थी, वे एक अच्छी मूवी बनाना चाहते थे और 24 घंटे उसी सोच और इमोशन से जुड़े रहते थे। इसलिए सिल्वेस्टर स्टेलोन बड़ी क्लियरली अपने सपने को देख सकते थे, जिस कारण वे डाउटलेस या संदेह रहित हो गए। डाउटलेस हो जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मुख्य पहलू है। कॉन्शियस अवेयरनेस अबाउट थॉट्स इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके मन में चिंता जगह बनाएगी या क्रिएटिविटी, आप शिकायत करोगे या सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे, ये आपके हाथ में है, आपका कॉन्शियस डिसीजन है। और ये ज़रूरी है, क्योंकि आपके मन में जो विचार बार बार घूमते हैं वो आपके सबकॉन्शियस पर गहरा असर छोड़ते हैं। एक बार सिल्वेस्टर स्टेलोन को लाइब्रेरी में एडगर एलन पो की कहानियों की किताब मिली और स्टेलोन साहब एडगर की दुनिया में डूब गए। वे कहते हैं कि उन कहानियों से मुझे समझ आया कि मैं कैसे अपनी चिंता किए बगैर लोगों की जिंदगी छू सकता हूँ। मुझे समझ आया कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, जैसे प्रश्नों की चिंता किए बगैर मैं आज़ाद होकर, डाउटलेस होकर अपने सपने को सच करने के बारे में सोच सकता हूँ। स्टेलोन साहब कहते हैं कि फिर उसके बाद मुझे भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं हुई और मैं रॉकी बनाने की ओर खिंचता चला गया। हॉलीवुड में उस समय तक 150 बॉक्सिंग मूवीज बन चुकी थी। इन मूवीज को बी ग्रेड लो बजट माना जाता था, इसलिए रॉकी का बजट बहुत कम था। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने अपने परिवार और दोस्तों को फिल्म में कम पैसों पर काम करने के लिए बुलाया। उनके भाई ने फिल्म में गाना गाया, वाइफ ने फोटोग्राफी की और कई दोस्तों ने छोटे मोटे काम किए। स्टेलोन ने शूटिंग शुरू होने से पहले हर दिन 5 घंटे ट्रेनिंग की, जिससे वो बॉक्सर जैसे दिख सके। फिल्म में बजट कम होने के कारण स्टेलोन को लगातार फिल्म के कई सारे सीन्स दोबारा लिखने पड़े। बॉक्सिंग कोरियोग्राफी सीखने के साथ साथ वे परिवार और क्रू के साथ काम भी करते थे। शूटिंग के दौरान स्टेलोन को लगता था कि उनका शरीर साथ छोड़ देगा, लेकिन ये फिल्म उनके लिए सपने जैसी थी जिस पर वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। फिल्म खत्म होने के कई दिनों तक सिल्वेस्टर स्टेलोन का शरीर सोर रहा और दुखता रहा और उन्हें कुछ हफ्तों तक बेड रेस्ट करना पड़ा। जब पिक्चर रिलीज हुई तो कई लोग रॉकी के इमोशन और स्ट्रगल से कनेक्ट कर सके। ये पिक्चर सुपरहिट रही और सिल्वेस्टर स्टेलोन लोगों के दिल पर छा गए। समरी में सिल्वेस्टर स्टेलोन साहब की कहानी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 2 बड़ी भ्रांतियां साफ होती हैं। पहला, इंटेंस डिजायर। इसका मतलब लालच नहीं है, बस एक इच्छा का अति प्रमुख होना है और उससे इमोशनली जुड़ जाना है। जब ऐसा होता है तो आप अपने लक्ष्य में डूबे रहते हो और आपकी क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंस अपने आप काम करती है। दूसरी बात है डाउटलेस हो जाना। आपके मन में जो विचार दिन रात बार बार चलते रहते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर छोड़ते हैं और वैसे ही रिजल्ट आपको मिलते हैं। इसलिए आप अपने दिमाग में चिंता, डर, जलन जैसे विचारों को जगह नहीं दे सकते। आप बार बार शिकायत करोगे या सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे। यह डिसीजन कॉन्शियसली आपको लेना है। स्टेलोन कहते हैं कि जब मुझे समझ आया कि सेल्फ डाउट खत्म करना मेरे हाथ में है और मैं अपनी चिंता किए बगैर लोगों की ज़िंदगी छू सकता हूँ, यानी सेल्फ डाउट छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे जा सकता हूँ, तब मैं फ्री और हल्का हो गया और रॉकी की तरफ खिंचता चला गया। और आखिर में मैसिव एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना लॉ ऑफ एक्शन के काम नहीं करता। जब आप संदेह रहित हो जाते हो तो इंटेंस डिजायर अपने आप मैसिव एक्शन में बदल जाती है। मैसिव एक्शन का मतलब है कि आपकी इमेजिनेशन में एक आउटकम सेट है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते तो आप अप्रोच बदलते हो, एफर्ट्स बढ़ाते हो, जब तक आपको आउटकम नहीं मिल जाता। मैसिव एक्शन में इमोशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन छिपा है। मैसिव एक्शन आपके सबकॉन्शियस से शुरू होते हैं।
और इसलिए ये बड़े रिजल्ट अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप दो वीडियो देख सकते हैं जो आपको विजुलाइजेशन में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रैक्टिकल मदद करेंगे। पहला है सिंपल एंड प्रैक्टिकल गाइड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा हाउ टू क्रिएट बर्निंग डिजायर। इन दोनों वीडियोस को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।